बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पेपर लीक का मामला सामने आने के कारण दोनों शिफ्ट के पेपर को रद्द करना पड़ा और बाकी के शिफ्ट को स्थगित करना पड़ा। इसमें ईओयू जांच कर रही थी और ये बड़े स्तर से जांच कर रही थी पेपर लीक के मामले को, जिसमें से प्रारंभिक जो स्तर था वो पूर्ण हो गया और इस पेपर लीक में 80 आरोपी संदिग्ध पाए गए हैं जो कि बिहार के 24 जिलों में हैं और इन पे एक्शन लेना है। ईओयू इन आरोपियों को रिमांड में लेने के लिए कोर्ट को आवेदन दे दिया है। जैसे ही अगला आदेश मिलता है इन आरोपियों को रिमांड में लिया जाएगा और फिर इनसे जो खुलासा होगा वो चौंकाने वाला खुलासा होगा। जब ये आरोपी अपना मुंह खोलेंगे तो कई पटना के सेंटर रडार पर आ जाएंगे। इनके मुंह खुलते ही कई ऐसे जो हैं जो अभी शक के दायरे में हैं उनका खुलासा हो जाएगा पूरी तरह सबूतों के साथ। तो कई ऐसे सेंटर हैं, ज़्यादातर मुसल्ला घाट जो कि पटना का फेमस जगह है, वहाँ से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अरेस्ट किए जाएंगे। और अभी फेस्टिवल के कारण कोर्ट बंद है, जिसके कारण इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही अगला जो 30 है, 30 को कोर्ट खुलेगा और फिर जैसे ही इस पर सुनवाई होगी तो इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। अब तक का यही अपडेट था और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि अगला वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।